जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर ओम जो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। आज मैं थोड़ा बाहर हूँ, थोड़ी हवाएँ चल रही हैं, तो वीडियो के साथ आपको हवाएँ भी महसूस हो सकती है। तो निवेदन है कि चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी राय हो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो में आपकी राशि के लिए हम बात करने वाले हैं, आज जागो की, जागने की बात कर रहे हैं। हम और केवल जीवन में सुख, समृद्धि, विकास चाहते हैं या उन्नति चाहते हैं, और चाहना भी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में उन्नति चाहना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने जीवन में समृद्धि चाहना चाहिए। लेकिन तकलीफ यहाँ पर हो जाती है कि जीवन में जो हम चाहते हैं वो हमें चाहकर भी नहीं मिल पाता है, या चाहने के साथ साथ जीवन में हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाता है। तो ओवरऑल हमारी कोशिशें सही होती है, हमारे तरीके सही होते हैं, लेकिन फिर भी हमें लक्ष्य नहीं मिल पाता है। तो उसी विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। शायद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरी जो जानकारी वो भी बहुत आपके लिए काम की रहेगी। दोस्तों, पहली बात इस पर विषय पर करना चाहता हूँ कि हम जिस भी विषय में पूरी मेहनत कर रहे हैं उसमें कहाँ पर हर बार गलतियाँ हो जाती हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, शिक्षा हो, पढ़ाई हो, या किसी भी क्षेत्र में हो। एक बहुत बड़ी बात है कि हमें उन चीज़ों को डाउटफुली, या हमें उन चीज़ों के जिन चीज़ों पर हम कमज़ोर हैं, जिन पहलुओं पर हम कमज़ोर हैं, उन पहलुओं पर हमें गहन अध्ययन करना पड़ेगा। जब तक आप गहन अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको ये पता नहीं होगा कि कहाँ पर हम गलत हैं। तो इसलिए इस चीज़ पर आप ऑब्जर्वेशन ज़रूर करेंगे। दूसरी बात है, नया सीखना, नया रिसर्च करना, नया ऑब्जर्वेशन करना, सब कुछ नया करना। तो नवाचार, हमारा जो ज्ञान है वो, हमारे पास जो टेक्निक है वो, और नई टेक्निक्स, जो नया ज्ञान है उसे भी हमें उसमें इंक्लूड करना होगा, उसमें मिलाना होगा, तभी जाकर हमें बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तीसरी बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, हमेशा हम उम्मीद के सहारे, अपेक्षाओं के सहारे, या एक टारगेट के सहारे जीते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर इंक्लूड कर दें, ईश्वर के सहारे, ईश्वर के भरोसे। और जो भी काम आप करते हैं वो ईश्वर को अर्पण करके करेंगे तो शायद मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मन में एक डर होगा, वहम होगा असफलता का, वो भी अपने मन से निकाल दें, क्योंकि जो वहम है हमारी असफलता का या डर का, वो वहम दोस्तों कई बार वो सच हो जाता है और हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो इसी विषय पर आपको जागने की आवश्यकता है, इसी विषय पर आपको और कुछ सोचने की आवश्यकता है। जागने से मेरा तात्पर्य बस इतना सा है दोस्तों कि जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसमें हमें हमारे अंदर जो बैठा हुआ डर है उसे भगाना है, और डर के सहारे कोई काम नहीं करना है। पूरी साक्षी भाव में, पूरी उम्मीद के साथ, पूरे भावपूर्वक वो काम हमको करना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। सफलता के लिए ईश्वर की कृपा सबसे बड़ी बात है, समय का मैनेजमेंट बहुत सबसे बड़ी बात है, और ईश्वर की कृपा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल।